आज हम बनाएंगे कराची फेमस चिकन कढ़ाई। तो हमने ये तेल डाला है इसके अंदर एक प्याली। अब इसमें डालेंगे चिकन। आधा किलो चिकन है ये, हमने इसे तेज आंच पर फ्राई करना है। चिकन को हमने गोल्डन कर लेना है। चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पानी। एक कप घीर हमने लहसुन अदरक का पानी डाल दिया है। अगर आपके पास लहसुन अदरक पिसा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मगर इसके अंदर मैंने पानी डाला है क्योंकि बाज़ारों में लहसुन अदरक का पानी डाला जाता है। मैं उसी स्टाइल में आपको बना के दिखा रही हूँ। तो लहसुन अदरक को हमने 2 मिनट फ्राई कर लिया है चिकन के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे 3 अदद टमाटर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये डाल के आपने इसको चलाना है। इसको चला के आपने हल्का सा और इसको ढक के पकाना है जब तक टमाटर नहीं गलते, जब तक हमने इसको ढक देना है। बस अभी से भूनना है। नमक डालेंगे इसके अंदर, इसमें नमक डाल देंगे, हसबी जाएगा। तो ये कढ़ाई अच्छे से हमने भून ली है और इस टमाटर के छिलके भी निकाल दिए हमने और ये बहुत अच्छे से भुन गई है। आधी प्याली दही डालेंगे इसके अंदर, आधी प्याली दही डाल के हमने इसे दोबारा से भूनना है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें काली मिर्च आधी चम्मची, कुटी हुई आधी चम्मची। इसे भी, दही को भी हमने अच्छे से भूनना है। और इसके साथ ही हमारी मिर्चें भी डालेंगे। आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी कढ़ाई, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। ये देखें, आधा किलो की मैंने बनाई है, 2 बंदे आराम से खा सकते हैं इसमें। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। 1 चम्मची मैंने गरम मसाला डाला है इसके अंदर। ये देखें, कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया और ये अदरक। कढ़ाई रेडी हो चुकी है।